हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। फ्रेंड्स, आज मैं मोमोज बनाने जा रही हूँ। वैसे तो ये रेसिपी तिब्बत और नेपाल की है, पर ये हिंदुस्तान में आने के बाद यहाँ के लोगों की फेवरेट हो गई। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी नमक को। अब मैं इसका एक डो बनाऊंगी। इसके लिए मैंने फ्रिज का ठंडा पानी लिया है। इसे फ्रिज के ठंडे पानी में डो लगाने से हमारे जो मोमोज हैं वो बहुत ही अच्छे बनते हैं और जो उसकी स्टफिंग है वो अच्छे से इसमें फिल हो जाती है। हमें इसका एक डो तैयार कर लेना है स्मूथ सा। मैंने एक डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं हल्का सा ऑयल लूंगी हाथ पे और इसे ऐसे समोसा इसका डो बना लूंगी। ये हमें 2-3 मिनट ही करना है। इसके बाद मैं इसे गीले कपड़े में रखकर और फ्रिज में रख दूंगी कम से कम 15-20 मिनट के लिए, जिससे हमारा जो डो है वो अच्छे से सेट हो जाए। इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, खाली नमक और पानी ही मिलाया है, वो भी ठंडा पानी। इसमें मैंने कोई ऑयल वगैरह ऐड नहीं किया है। अब मैं इसको एक गीले कपड़े में लपेट कर फ्रिज में रख रही हूँ 15-20 मिनट के लिए। जब तक हमारा डो जो है फ्रिज में रेस्ट कर रहा है, हम आगे की तैयारी कर लेते हैं, यानी कि हम मोमोज की फीलिंग बना लेते हैं। मोमोज कई तरह से बनते हैं, वेज नॉन वेज, पर मैं आज वेज मोमोज बना रही हूँ। तो इसके लिए जो मैंने सब्जियाँ ली है वो आपको बता रही हूँ। मैंने इसमें प्याज जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है बहुत बारीक बारीक, इसको ऐड कर रही हूँ। एक शिमला मिर्च, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्च, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो ऐड कर रही हूँ। पत्ता गोभी, इसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया था, वो मैं ऐड कर रही हूँ। एक गाजर, इसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया था, वो ऐड कर रही हूँ। सब सब्जियों को मिक्स कर लेंगे एक साथ। अब इसमें मैं 1 चम्मच जो है नमक का डालूंगी, 1 चम्मच चीनी। जी हाँ, चीनी डालने से ये फीलिंग जो है बहुत अच्छी बनती है। काली मिर्च 1/2 चम्मच डाली है मैंने। अजीनोमोटो, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे डाल सकते हैं। अगर आपका इसे डालना नहीं चाहते तो ये मत डालिए। सब चीज़ों को अच्छे से मैश कर दूंगी और थोड़ी देर के लिए इसे रख दूंगी, जिससे कि ये सारी सब्जी अपना पानी छोड़ दे। एक जरूरी चीज़ और, इसमें आप ऑयल या बटर ऐड कर सकते हैं, उससे जो हमारी फीलिंग है बहुत ही अच्छी बनती है। मैं इसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर रही हूँ। और इनको रख के 5-10 मिनट के लिए रख के छोड़ दूंगी, जिससे हमारा जो सब्जियों का पानी है वो अच्छे से निकल जाए। अब मैंने फ्रिज से आटे को बाहर निकाल लिया है। ये हमारा अच्छे से सेट हो गया है। इसको एक बार ऐसे और कर लेंगे हम, जिससे हमारा और भी अच्छा बन जाए आटा। अब मैं आटे को एक तरफ रख के जो मैंने स्टफिंग के लिए स्टफिंग बनाई थी उसको चेक कर देती हूँ। अब जिसको एक्सेस पानी है एक कपड़े की सहायता से मैं उसे निकाल लूँगी। मैंने सारी स्टफिंग को एक कपड़े में डाल दिया है। अब इसका जो एक्सेस पानी होगा वो ऐसे निकलता रहेगा। हमें बिल्कुल ड्राई नहीं करना है स्टफिंग को, क्योंकि अगर ड्राई होगी तो वो अच्छी नहीं बनेगी हमारी जो मोमोज है। और अगर इसमें पानी रह जाएगा ज़्यादा तो उससे क्या होगा, जो हमारे मोमोज होंगे वो फट जाएंगे। ऐसे निकलता रहेगा पानी, तो ऐसे करके हम पानी को एक्सेस पानी को निकाल लेंगे।
हमारी जो स्टफिंग का एक्सेस पानी था वो सारा निकल गया है। आप देख सकते हैं हमारी जो स्टफिंग है वो इस तरह से हो गई है। अब आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। मैंने आटे को गीले कपड़े से ढक दिया है। अब मैंने इसकी छोटी छोटी जो है ऐसी लोइयां बना ली है। अब मैं इसमें सूखा आटा लगाऊंगी। सूखा आटा लगाने के बाद इसे हल्के हल्के हाथों से मैं पूरी की शेप में बनाऊंगी। हमें इसका जो बीस का हिस्सा है वो पतला नहीं करना है, हमें इसे इसके किनारे पतले करने हैं। आप ऐसे घुमा के बेल सकते हैं। जो किनारे हैं वो पतले होने चाहिए, नहीं तो जब हम इसको स्टीम करेंगे अगर हमारे किनारे मोटे होंगे तो उसमें कच्चापन आ जाएगा। तो ध्यान रखिए किनारे हमारे पतले होने चाहिए। ऐसे करके मैं मोमोज की 3-4 शीट बना रही हूँ, बनाकर रख रही हूँ। पहले मैंने ऐसे इसकी 3-4 जो है बना के रख ली है शीट मोमोज की। अब मैं इसमें फिलिंग भर के इसको बना के देखती हूँ। जो मोमोज की मैंने बेलकर शीट तैयार की है उसमें मैंने थोड़ी सी स्टफिंग 1 चम्मच के करीब स्टफिंग डाली है। अब मैं इसका एक मेथड बना के आपको दिखाती हूँ। पहले इसको जैसे हम गुंजिया बनाते हैं वैसे ऐसे एक सार इसको फोल्ड कर लीजिए। इसके जो किनारे हैं वो हल्के से बंद कर लीजिए जिससे जो हमारी स्टफिंग है बाहर ना निकले। बहुत ही ईजी तरीका है बनाने का। अब इसके दोनों हिस्से जो हमने यहाँ से हैं इसको अच्छे से बंद करिएगा। इसको ऐसे मिला दीजिए और हल्का सा प्रेस कर दीजिए। ये बहुत इजी तरीका है बनाने का मोमोज की सेप। अब मैं दूसरे तरीके से बना के बताती हूँ। अब मैं इसका दूसरा तरीका बनाना बता रही हूँ। मैंने शीट पर थोड़ी सी स्टफिंग भरी, ये बीच में डालनी है स्टफिंग को। उसके बाद ऐसे इसको हल्का सा प्रेस करा। अब इसको प्लेट बनाते हुए हम जॉइंट करते जाएंगे। प्लेटें बनाते हुए हम सारे जोड़ते जाएंगे और ऐसे ऊपर से हम इसको चिपका देंगे। आप इसे कोई भी शेप बना सकते हैं मोमोज की। अब मैं इसे एक जगह रख रही हूँ। जो स्टफिंग है वो हमने शीट पे डाल दी भर दी है। अब इसको जो कोने वाला है उसको चिपका देंगे और ऐसे करके हम इसकी प्लेट बनाते जाएंगे। बाहर वाली प्लेट को अंदर वाली प्लेट से हम मिलाते जाएंगे। अब मैंने स्टीम करने के लिए कढ़ाई ली है। आप चाहे तो इसे स्टीमर में भी स्टीम कर सकते हैं, पर मेरे पास स्टीमर नहीं था तो मैंने कढ़ाई ली है। उसमें मैंने पानी रखा है, थोड़ा सा 3 कप के करीब पानी रखा है। अब इस पे ये छन्नी ऐसे रख के और इसके ऊपर ये प्लेट ढक के मैं स्टीम करूँगी। एक शेप आप ऐसे ही बना सकते हैं। शीट ली, उसमें स्टफिंग भरी, स्टफिंग को बीच में रखें। अगर आपको कम लग रही है स्टफिंग तो और भी रख सकते हैं इसमें। अब इसकी ऐसे प्लेट बनाते जाएं चारों तरफ से थोड़े थोड़े डिफरेंस पे। प्लेट बनाने के बाद इसको ऐसे पकड़ें ऊपर से और ऐसे जो पोटली टाइप में जो है जैसे मोदक लड्डू होते हैं ना उस तरह की शेप बन जाएगी। आपको जो भी इनमें से इजी शेप लगे या जो आप इजीली बना सके वो आप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे मोदक लड्डू होते हैं इस तरह की शेप दे दें। हल्का सा इसे और निकाल लें और ऐसे घुमा दें इसको। स्टीम करने के लिए हमारा जो पानी है वो बॉयल हो चुका है। अब मैं इसमें एक छन्नी रख रही हूँ। इसमें मैंने हल्का सा ऑयल सारा तरफ फैला लिया है जिससे मोमोज है हमारे चिपके ना। अब जो मोमोज है इसको मैं एक एक करके इसमें स्टीम के लिए रखूंगी। उतने ही मोमोज रखे जितने आ सके उस छन्नी में या जिसमें आप स्टीम कर रहे हैं। चिपका के ना रखें, हल्के हल्के दूरी पे रखें।
और इसको मीडियम फ्लेम पे ही हमें उबालना है। हम उसको रखने के बाद इस पे हम एक प्लेट ढक देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर स्टीम करने के लिए रख देंगे। इसे हमें 20 से 25 मिनट तक स्टीम करना है और फिर हम चेक करेंगे कि हमारे जो ये मोमोज हैं वो अच्छे से स्टीम हुए हैं या नहीं हुए। हमारे जो वेज मोमोज हैं वो बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं। बस हमें बनाते हुए एक दो बातों का ध्यान रखना है। जैसे हमें जब इसका डो बनाते हैं तो हमें ठंडे पानी में ही इसको गूंदना है, फ्रिज का ठंडा पानी है, और अच्छे से उसे गूंद के और फ्रिज में 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। इसके बाद जो हम बेलेंगे उसको, उसकी जो शीट बनाएंगे, उसके जो किनारे होंगे वो हमें बिल्कुल पतले बना बेलने हैं। अगर वो मोटे बेलेंगे तो जो खाने में है वो कच्चा लगेगा हमें मोमोज। बस दो तीन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे जो मोमोज हैं वो हमारे बनकर अच्छे तैयार होंगे। तो आप इस तरह से मोमोज बनाकर देखिएगा और बताइएगा कि आपके मोमोज कैसे बने। अगर आपको मेरी मोमोज की रेसिपी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।